हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राखी सिंह आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्लास जीके क्वेश्चन आंसर से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आवर नेशनल फ्रूट। विच इज आवर नेशनल फ्रूट? आवर नेशनल फ्रूट इज मैंगो। Our second question is which is our national game? Which is our national game? Our national game is hockey. बच्चों, अब मेरे साथ sight words दोहराइए। पढ़िए right. What is this? Right. Repeat after me. Right. Right. Read after me. Right. Who? Read after me. Who? Read after me. Who? What is this? Who? Who? बच्चों, अब जानते हैं इस वीक के एटिकेट्स के बारे में। Our first etiquette is trim your nails. बच्चों, समय समय पर हम सभी को अपने नाखूनों को काटना चाहिए और इनकी सफाई भी करनी चाहिए। Our second etiquette is Wash your hands after using toilets. Means, toilets जाने के बाद हम सभी को अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से, हैंड वॉश से या पानी से धुलना चाहिए। बच्चों, आशा करते हैं आप इनका पालन करेंगे। बच्चों, अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ एक मात्रा के बारे में, जिसे आ की मात्रा कहते हैं। लेकिन आ की मात्रा जानने से पहले हम सभी रिवीजन करेंगे सब्जियों के नाम का। यह देखिए बच्चों, यह है मटर। क्या है? मटर। पढ़िए मटर, मटर। यह देखिए बच्चों, यह कौन सी सब्जी है? यह है परवल। क्या है? परवल। पढ़िए परवल, परवल, परवल। यह देखिए, यह है अदरक। क्या है यह? अदरक। पढ़िए अदरक, 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 अदरक। यह देखिए बच्चों, कटहल। क्या है? कटहल। पढ़िए कटहल, कटहल, कटहल। यह देखिए शलजम। क्या है? शलजम, शलजम, शलजम। पढ़िए शलजम, शलजम। बच्चों, इसी प्रकार आप सभी को भी सब्जियों के नाम का रिवीजन करना है। बच्चों, अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर और जानते हैं आ की मात्रा के बारे में। बच्चों, आ की मात्रा पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह देखिए, यह क्या है? यह क्या है? वेरी गुड, वर्णमाला, वेरी गुड। बच्चों, क्या आप सभी को पता है वर्णमाला में आ से आह तक स्वर होते हैं जो पूरे होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी भी मात्रा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो का से ज्ञा तक होते हैं इनको व्यंजन कहते हैं। और बच्चों, वर्णमाला में व्यंजन अपूर्ण होते हैं, यानी अधूरे होते हैं। तो उन्हें पूरा करने के लिए हम सभी को स्वर की ध्वनि की जरूरत होती है। जब व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि आती है, वहाँ पर हम सभी मात्रा का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला स्वर है अ, और अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन अ का प्रयोग व्यंजन को पूरा करने में किया जाता है। यह देखिए बच्चों, यह कौन सा अक्षर है? यह क्या है? वेरी गुड, यह है आ। कैसे बोलेंगे इसे? आ। और आ स्वर होता है। बच्चों, यह है आ और यह है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। बच्चों, आ की मात्रा
कैसे लगाते हैं देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। कैसे लगाते हैं? पहले स्लीपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। कौन सी मात्रा होती है यह? अ की मात्रा। किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा। फिर से देखिए, यह है आ और यह है आ की मात्रा। कैसे बोलते हैं आ की मात्रा को? आ। कैसे बोलते हैं? आ। बच्चों, जब किसी भी व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो उसकी ध्वनि स्पष्ट और ऊंची हो जाती है, और जब हम आ की मात्रा बोलते हैं तो हम सभी का मुंह पूरा खुल जाता है और आ की मात्रा देर तक बोली जाती है। जैसे बोलिए आ। देखिए, हम सभी का मुंह पूरा खुल गया ना? खुल गया? वेरी गुड। तो आ की मात्रा कैसे बोलनी है? आ। बच्चों, इसी के साथ ध्यान रखना है, आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। बच्चों, आइए व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण करते हैं। यह देखिए, क। क्या है? क। का में आ की मात्रा लगा देंगे तब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? का। बोलिए का। कैसे बोलेंगे? का। यह देखिए, ख। क्या है? ख। खा में आ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? खा। बोलिए खा। कैसे बोलेंगे? खा। यह देखिए, यह है ग। क्या है? ग। जब हम ग में आ की मात्रा लगाएंगे तो इसको कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? गा। बोलिए गा। मेरे साथ बोलिए गा। बच्चों, ऐसे ही बोलेंगे घ। घा में आ की मात्रा घा। च। चा में आ की मात्रा चा। छ। छा में आ की मात्रा छा। ज। जा में आ की मात्रा जा। बच्चों, आशा करते हैं आप सभी को आ की मात्रा कैसे लगाते हैं, कैसे बोलते हैं और आ की मात्रा का उच्चारण करना समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप सभी को भी व्यंजन पर आ की मात्रा लगाकर आ की मात्रा का उच्चारण करना है। बच्चों, अब नोट कीजिए आज का होमवर्क। होमवर्क नोट करने के लिए आप सभी लोग हिंदी की कॉपी, पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, सब्जियों के नाम देखकर लिखिए। बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग दिए गए होमवर्क को गुड हैंडराइटिंग में पूरा करेंगे। बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे आ की मात्रा लगाकर शब्दों को कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग। बाय बाय किड्स।